चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लल्लादव निरहुआ के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आखिरकार जिस खबर का इंतजार भोजपुरी दर्शक के साथ साथ भोजपुरी दंता जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, फाइनली वह खबर जारी कर दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लल्लादव निरहुआ की चुनाव लड़ने के बारे में। जी आपको बता दें कि कुछ दिन से अटकलें लगाई जा रही थी कि दिनेश लल्लादव निरहुआ आजमगढ़ से लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, जिसके बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया। जी आपको बता दें कि बुधवार को भाजपा ने उम्मीदवारों की 16वीं लिस्ट जारी किया है, जिसमें 6 प्रत्याशी के नाम है। लिस्ट में आजमगढ़ से निरहुआ को मैदान में उतारा गया है। निरहुआ के मुकाबले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 16वीं लिस्ट में जिन 6 लोगों को नाम दिए हैं, उनमें निरहुआ के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन निरहुआ का नाम फाइनल कर दिया गया है, जिसके अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। यानी कि अखिलेश यादव के खिलाफ दिनेश लल्लादव निरहुआ ने चुनावी बिगल फूंक दिया है और वह अब जमकर आजमगढ़ में चुनावी रैलियां करने वाले हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। अब देखना यह है कि दिनेश लल्लादव निरहुआ को इस चुनाव में कितना फायदा होगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन सोशल मीडिया की बात करें तो दिनेश लल्लादव निरहुआ की काफी फैन फॉलोइंग है और उम्मीद जताई जा रही है कि निरहुआ को जीत भी हासिल हो सकती है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में ही अखिलेश यादव के सामने क्या निरहुआ टिक पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम पाया है, क्या उसी तरीके से वह राजनीतिक में आते ही वह अलग मुकाम पा पाएंगे, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए।